नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस अधीक्षक ने लिया अपराध समीक्षा बैठक। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने चर्चा में बताया कि हमेशा की तरह रूटीन में होने वाली अपराध समीक्षा बैठक है, जो आने वाले समय में हमारे पास क्या चैलेंज है उसमें अपराध शामिल है। बाबा महाकाल की नगरी में आने वाले समय में यहाँ मौनी अमावस्या, रविदास जयंती, बसंत पंचमी पर्व सहित कई बिंदुओं पर बैठक ली गई, जिसमें आने वाले समय में इसके लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से एंटी माफिया अभियान चलाने, जिसमें भू माफिया, खाद्य माफिया सहित अन्य माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन से शंभू राठौड़ की रिपोर्ट। ये हमारी रूटीन जो बैठक होती है, उस बैठक में आगे आने वाले समय में हमारे पास क्या चैलेंजेस रहते हैं, उसमें क्राइम से रिलेटेड और खासकर जो यहाँ बाबा महाकाल की नगरी होने के कारण जो त्यौहार होते हैं, अभी मौनी अमावस्या का त्यौहार है, रविदास जयंती का त्यौहार है, इसके अलावा बसंत पंचमी, ये सब है, इन सब से बिंदुओं पर बैठक ली गई है और आगे आने वाले समय में इसके लिए तैयार रहने के संदर्भ में क्या क्या हमें करना है वो पूरी तैयारियों के निर्देश उनको दिए गए। माफिया को लेकर क्या तैयारी? जैसे आप जानते हैं, प्रदेश सरकार की तरफ से एंटी माफिया अभियान का चल रहा है और सब किसी भी तरह के जो माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो राशन माफिया हो, चाहे खाद्यान्न माफिया हो, इन सबके बीच विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक समीक्षा बैठक थी, उसमें इसको लगातार जारी करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो उस पर हमारे कार्रवाइयाँ चल रही हैं। हमने कुछ नए जो अपराधी हैं उनको चिन्हित किया है, जो अभी सक्रिय हैं उनके खिलाफ भी हम लगातार ये कार्रवाई करेंगे। सर, चोरी जैसी वारदात को लेकर क्या निर्देश? देखिए, संपत्ति संबंधी अपराध हमारा हमेशा से प्राथमिकता में रहा है। पिछले वर्ष के अगर आंकड़ों की हम बात करें तो पिछले साल हमारा जो संपत्ति में रिकवरी 65% रही है और जो प्रदेश के एवरेज से काफ़ी अच्छा 52% लगभग प्रदेश का एवरेज रहा, उससे 65% हमारा एवरेज रहा है और हम ये हमारी प्राथमिकता का विषय है। उसमें पिछले वर्ष कुछ वाहन चोरी की जो घटनाएँ हैं उसमें ज़रूर कुछ कमियाँ रह गई थी, उसके लिए हमने एक टीम लगाई है और सभी थाना प्रभारी इसमें अपना काम कर रहे हैं और बाकी जो हाउस ब्रेकिंग और अन्य लूट या डकैती संबंधी अपराध हैं वो सभी अपराध डिटेक्टेड हुए हैं, मैक्सिमम अपराध डिटेक्टेड हुए हैं और संपत्ति संबंधी अपराध पूरी गंभीरता, पूरी संजीदगी के साथ हमारी टीमें काम कर रही हैं।